देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुलाना जी राम राम मौजूद हाँ। जुलाना के महाराणा प्रताप भामा शाह पार्क में सुबह सुबह का टाइम है और काफी जो नगरवासी यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, कुछ युवा साथी भी है जो घूमने के लिए समाये हुए हैं, उनसे बात भी करेंगे पार्क की व्यवस्था को लेकर। पार्क को देखा जाए तो भाई पार्क में सब डिविजन होते हुए जुलाना में जो पार्क है, पार्क में कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, मगर डस्टबिन है, जो डस्टबिन है देख को आसपास की तरह डंगा है और पार्क के अंदर गड्ढे हैं, वो बहुत ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं और जो ये झूले लगा रखे हैं इसे बच्चों को खेलने के लिए पार्क के अंदर, इनके अंदर बीच से भी होल हो चुके हैं, अगर किसी बच्चा यहाँ से अच्छे का शिकार हो सकता है। और कुछ जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, नमस्कार जी, किस तरह की व्यवस्था है जुलाना के पार्क में? देखिए ये पार्क जो बनाया हुआ है ये जुलाना की लाइफ लाइन है जी जी। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है, ना इसकी रखाव है, कोई करोड़ों रुपए पार्क पे लगाए हुए हैं। अच्छे सुलभ शौचालय बना रखे हैं जी, इसके अंदर सुलभ शौचालय की कोई सफाई नहीं होती, इसके लिए कोई आदमी इसको यूज नहीं करता। यहाँ सुबह शाम हजारों बच्चे, लेडीज और मंडी के लोग बस स्टैंड से लेकर और स्टेशन तक यहाँ पूरा तांता लगा रहता है जी। बंदरों का इतना बुरा हाल है कि बच्चों को दुनिया भर के केस हो चुके हैं, कई बार बंदरों ने काट लिया और सारे पेड़ पौधे टोटली सूख गए हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ना कोई पानी देता है, ना कोई अटेंडेंट है या म्युनिसिपल कमेटी की तरफ। पीने पानी की व्यवस्था का तो पानी पीने की तो किसी सामाजिक आदमी ने लगवाया हुआ है, इसमें सरकार का क्या है? मतलब पानी पीने का भी देखो, वाटर कूलर की कोई सफाई नहीं हो रही, टंकी में गंदगी है, बीमारियां फैल रही हैं, जितने भी ये जिम ओपन जिम लगाई हुई है ये सारी इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, सारी टूटी फूटी पड़ी है, बच्चे झूले हैं ये सारे टूट रहे हैं, कोई बच्चा फंस सकता है, किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, ये कोई ना फुहारा चल रहा है, ना टॉयलेट की कोई साफ सफाई है, ना पानी की सफाई है, इवन यहाँ झाड़ू भी नहीं लगता, इतने देखो ये आपके सामने कितना मतलब सुविधाओं का टोटा है, बिल्कुल सुविधाओं का टोटा है। म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं है, यहाँ कोई संभाल नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ये खत्म हो चुके हैं। क्या नाम आपका? मैं राजेंद्र सिंगल, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी। भाई राजेश सिंगल थे और एक युवा साथी है, तो डॉक्टर साहब बात कर रहा था सफाई व्यवस्था की, तो पार्क में किस तरह की सफाई व्यवस्था? सरकार महोदय यहाँ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, उसका मुख्य कारण क्या है? इन लोगों ने एक कारिंदे को यहाँ पर कार्यकर्ता रखा था जो पिछले काफी समय से उसको यहाँ से उसकी पोस्ट खत्म कर दी गई, जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई। पार्क प्रशासन ने बहुत अच्छा बनाया, प्रशासन के आभारी है पार्क के लिए, लेकिन अब इसके रखरखाव की विधि जो सरकार द्वारा दी जा रही है वो बिल्कुल खराब है, सभी पौधे सूख चुके हैं, उनमें पानी देने वाला कोई नहीं है, हम लोग थोड़ी बहुत पौधे सूखे पानी देते हैं तो हमारे पास साधन भी नहीं है और पानी भी इतनी पर्याप्त मात्रा में हमारे को नहीं मिल रहा है कि हम दे दें। दूसरा क्या है कि जो इन्होंने लेटरिन बाथरूम जो भी बनाया है बहुत अच्छे बनाए, देख ले इन लोगों ने जो लेटरिन बाथरूम बनाए उसकी व्यवस्था इतनी खराब है कि उसके अंदर जाने से भी उसके पास से जाने जिसके कारण निकल भी नहीं सकते। अब जैसे क्या है कि घास भी सूख गया, आप देखोगे ये घास जो है इस तरीके से पूरा पूरा का पूरा पार्क सूखा हुआ है, ये झूले जो हैं अंदर से इनके अंदर होल हो गए हैं, भीतर से होल है, जैसे ये बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। एक ये इधर जैसे एक होल है इसमें, ये देखिए इस होल में से अगर कोई बच्चा यहाँ फंस गया उसको भयंकर चोटें आ सकती हैं, जिसका खामियाजा अब बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा और बच्चे को अगर चोट लग गई तो आप समझ सकते हो कि उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए भेज रहे हैं। गड्ढे किस तरह के बना रखे? ये गड्ढे सिर्फ रख रखाव के कारण है, यहाँ तो सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, अगर इन लोगों के पास कोई कर्मचारी हो तो मिट्टी डाल दे बस बात खत्म। अब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको सरकार ठीक करा सकती है, सिर्फ कैसे, सिर्फ यहाँ एक चौकीदार और एक माली की व्यवस्था कर दी जाए। तो ये और बात करो जी, आप कूड़ा करकट जी तो हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग हमारे बच्चे खेलते हैं। उन्होंने एक नियम बना रखा है कि पूरे हफ्ते में संडे के दिन हम लोगों से 10-15 लोग हैं, हम जितना काम हम लोगों से होता हम करते हैं जी जी। फिर हम भी व्यापारी लोग अपने संसाधनों पर हमारे को जाना होता है जी जी। व्यवस्था इतनी खराब है पार्क की श्रीमान महोदय कि हर तरीके से बगैर यहाँ चौकीदार के और बगैर यहाँ माली के इस पार्क की व्यवस्था नहीं हो सकती। पार्क बहुत सुंदर है, पार्क के कारण हम जो है प्रशासन के धन्यवादी हैं, लेकिन इसकी बदहाली का कारण प्रशासन ही है। भाई देख को साफ तौर पर जो यहाँ पर घूमने के लिए नगरवासी क्या करें जी,
अब ये फुहारा इतना सुंदर बनाया गया है। फुहारा ये देखो भाई, फुहारा देख लो, रंग बिरंगी लाइट आ रही है। बिल्कुल इसका जो फुहारा है अगर ये चल जाए शाम के टाइम बिल्कुल आनंदित और अच्छे से अच्छे इसकी शोभा बढ़ेगी। लेकिन ये चलेगा तभी तो इसकी शोभा बढ़ेगी। चल नहीं रहा, ये खराब है, टूट रहा है, इसको चलाना अति आवश्यक है जी। घर में बच्चे आए, फुहारे लगे, घूमते फिरते हैं। पेड़ पौधे आप देखोगे सूख सूख के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल इनको पानी दे जैसे दो दो महीने हो गए। जी जी जी। अभी यहाँ हमारी माताएं बहने आती हैं और इनकी असुविधा ये है कि अगर किसी को बाथरूम जाना पड़ जाए तो इतने वो बाथरूम और दिखा दो पीछे को बना रखे भाई आप। मैं बाथरूम भी दिखाएंगे जो यहाँ जुलाने का पार्क बनाया गया। बंदरों का आतंक जैसे आप देख लो, ये बंदर आप देख लो, बंदर घूमते हैं। बंदर तो ये है कि किसी भी बच्चे को आने से डर लगता है। जी जी। जो भी माताएं बहनें आती हैं वो साथ में बंदा लेके आती हैं। जी जी जी। खुद की चौकीदारी के लिए हर माता बहन को एक अपना अंग रक्षा साथ में रखना पड़ा, हथियार अकेले रखते हो, हथियार साथ लेके आना पड़ता है। जी जी। एक तो लोग के है जी तो हाँ, एक को इनको लोगों ने ताला लगा रखा है। ये ताला भी जो है असुविधा के लिए नहीं है, इसकी सफाई ही नहीं हो पा रही। जी जी। इसमें बदबू ज्यादा थी इसलिए ताला लगा हुआ है। अच्छा, इसमें बदबू थोड़ी है, इसमें आप जा ही नहीं पाओगे। ये देखिए भाई सफाई व्यवस्था इसके अंदर, महाराणा प्रताप भामाशाह पार्क का भामाशाह पार्क का शौचालय शौचालय ये देख लो भाई, व्यवस्था देख लो आप किस तरह की है पार्क के अंदर। ये पानी की व्यवस्था के कारण ये पौधे देखो ये कितने सूखे हुए हैं। ये देखिए ये नीचे से देखिए, बिल्कुल कंडम होगी। इधर देखिए आप बिल्कुल ये फूके हुए, ये जो धूप लगने के कारण पानी ना मिलने के कारण ये ऊपर से सारी पत्तियां, टेम्परेचर भी तो 50 डिग्री है यार, पानी क्या है, मौसम बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन आप नीचे से देखोगे ना तो इसमें आपको नजर आएगा कि कई कई दिनों से पानी नहीं दे रखा। अच्छा अच्छा, ये देखिए, अरे ये 10 दिन आप बनवाए हैं, ये 10 दिन काफी दिनों से लगे हुए हैं। ये सब डस्टबिन बंदरों ने तोड़ दिए और इसकी तरफ का कोई ध्यान नहीं। अभी ये कूड़ा तो उठा के हम इसमें बोरियों में बंद करके संडे वाले दिन भैया डस्टबिन की व्यवस्था है। डस्टबिन डेस्क को जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगाए गए थे असामाजिक तत्वों शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ दिए गए हैं। अगर यहाँ चौकीदार की व्यवस्था होगी तो ये सब ठीक ठाक व्यवस्थित रह सकते हैं। जी 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 भाई, देख को पार्क की व्यवस्था बिल्कुल खराब और काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर योगासन इसमें कर रही हैं। उनसे भी बात करें किस तरह की असुविधा का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ता है। ये देखिए योगाभ्यास यहाँ पर चला हुआ है, हर रोज महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं, योगासन करती हैं, आप देख सकती हैं। ये देखिए योगा ट्रेनर जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए भाई, महिलाएं योगासन करते हुए जुलाना के महाराणा प्रताप भामाशाह पार्क में आप देख सकते हैं। और पार्क में सुविधाओं की बात मैं खुद करूं तो मेरे को यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है। शौचालय हमने यहाँ दिखाई और जो पेड़ पौधे हैं बिल्कुल वो सूख चुके हैं, इसमें आप जो देख पा रहे हैं दृश्य में। और बंदरों का आतंक भी काफ़ी रहता है, इनको अपना हथियार साथ में लेकर चलते हैं, इनसे जान भी लेते हैं किस तरह की परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। नमस्कार जी, काफ़ी महिलाओं को लेकर सुबह सुबह पर पहुँचते हैं यहाँ पर, योगासन भी करते हैं, तो किस तरह की समस्या आ रही है पार्क में? पार्क में यहाँ पर देखभाल के लिए कोई भी नहीं है जी, ना तो यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था है जी। ये पानी के यहाँ पे जल सेवा समिति की तरफ से यहाँ पे 15-20 पीड़ा पानी नहीं है पार्क में, है वो खराब है वहाँ पे खराब पानी। हाँ जी, और वहाँ से जल सेवा समिति की तरफ से 15-20 कैंसर मिलते हैं यहाँ जी जी जी। देखभाल के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे, देखभाल के लिए किसी को रखना चाहिए। और किसी तरह की समस्या आ रही है, पेड़ पौधे पौधे के भी है, बंदरों की भी है जी जी, कूड़ा करकट की भी है, देखो भरा पड़ा है, उठाते भी रहते हैं फिर भी कूड़ा। कूड़ा करकट तो हम लोगों की ही देन है, बाहर का तो कोई आ नहीं रहा, तो बाहर का तो नहीं आ रहा कोई, तो हर एक तो नहीं समझते ना इस बात को जी जी। तो यहाँ पे कोई कर्मचारी को रखेंगे तभी तो वो संभाल करेगा ना जी जी, रोकेगा उनको, बोलेगा करेगा, तो कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं, सफाई व्यवस्था भी नहीं है ना, लैट्रिन बाथरूम का कुछ नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की भी कोई व्यवस्था से बुरा हाल है। बुरा भाई, हमने जैसे वीडियो में दिखाया भी था आपको कि भाई लैटरिन बाथरूम की जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी कि आप किसी टाइम जा सकते हैं उनके अंदर भाई। और भाई देखो, आपने समस्या हमने बताई और जो यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी और लोगों से बात करेंगे। ओपन जिम भी हम आपने देखा हुआ, कितने अच्छे ओपन जिम है जहाँ जुगाड़ की सहायता से ओपन जिम को चलाया जा रहा है और किसी भी समय भी कोई हादसा हो सकता है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी जो ग्रामीण है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, आप देख सकते हैं। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, ये देखिए आप देख सकते हैं।
ये ओपन जिम है, ओपन जिम और देख लिया बटक साहब देख ली बताओ थे ओपन जिम आप जोड़े जाड़े था मेरे बांध रखे जोड़े जाड़े तो मैं समूसा बंद हजार पशु आके इनके भी बंद हो अच्छा ये जोड़े बांध के डाट रखे था भाई देखो जो जोड़े जाड़े बांधे जा रहे रस्सी रस्सी पलतू कुत्ते आ गए जानवर बांधे जा रहे हैं और यहाँ पास जम का बांध रह गए इसमें आप देख पा रहे हो ये टूट लकड़ जाएगी बाहर ये देख लो भाई सेल्फ सर्विस इज बेस्ट सर्विस बना रहे था ये देखो भाई ये टूटे पड़े आप देख सको इस समय ये इस तरह से टूटे हुए आप और भी सारे उस पर भी कोई आते देख लो ये देख नूना वो भी टूट रहे हैं सारे जुल 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 वाले इधर भी टूट रहा है इधर भी टूट रहा है भाई देख सको हो बहुत सारे झूले हैं यहाँ पर इधर भी देखिए ये वाला भी इधर भी था अच्छा एक साइड का ये भी टूट रहा है देख सको भाई इस तरह से जो पार्क है मैं आपको बता दूँ बिल्कुल खस्ता हालात में है जुलाना का मारा खस्ता पार्क घास अच्छा पीड़ी हो रही है सूख रही है सूख रही है और क्या सुविधा होगा टोटा और क्या सुविधा नहीं मिल रही पेड़ पौधे बिल्कुल सूख गए जी जी हमारा पत्ते बिल्कुल साफ है बिल्कुल पेड़ पौधे भी सूख चुके कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं सब कोई सुविधा नहीं किसी तरह की और बंदरों का आतंक है बंदरों का जी देखो 15 मिनट में जब ये पब्लिक कम हो जाएगी ना बंदर ही आओगे बंदरे के मतलब बंदरों का पार्क हो जाएगा बंदरों का पार्क हो जाएगा भाई अगर आप वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो कम है पब्लिक कम इसलिए बंदर कम है अच्छा पब्लिक कम आ रही है ज़्यादा बंदर कौन आ रही है पब्लिक होते हैं बंदर कम क्या नाम आपका भाई विजेंद्र तायल था अब यहाँ जो ग्रामीण घूमने के लिए आते हैं उनसे बात की उन्होंने बताया